कोई डाउट नहीं है। तो अब चलिए चलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। हमने आपको बताया जब एक फंक्शनल मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये पूरे एम्ब्रियो सैक को डेवलप करेगा, तो इसे कहेंगे मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट, मोनो स्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट में इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन होंगे। क्या होंगे? 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन। 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन का मतलब 3 माइटोसिस डिवीजन होंगे एक के बाद एक इस फंक्शनल मेगास्पोर में। 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन होंगे। सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन का मतलब एक के बाद एक 3 माइटोसिस डिवीजन होंगे, तो 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले माइटोसिस डिवीजन से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ये 2 न्यूक्लियस बने, फिर ये दोनों न्यूक्लियस एक एक पोल पे चले जाएंगे, एक एक पोल पे, एक दूसरे पोल पे। फिर सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी, तो इससे 2 और इससे 2, टोटल 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ये हो जाएंगे टोटल 2 इधर और 2 इधर, 4 न्यूक्लियस। फिर थर्ड माइटोसिस डिवीजन होगा, तो इन दोनों में भी होगा, इन दोनों में भी, तो दोनों तरफ आपके 4-4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस इधर और 4 न्यूक्लियस इधर, हर पोल पे 4-4 न्यूक्लियस हो गए। इतनी चीज क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। फर्स्ट माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस एक एक पोल पे चले गए। सेकेंड माइटोसिस से 4 न्यूक्लियस बने, हर पोल पे 2-2। थर्ड माइटोसिस से 8 न्यूक्लियस बने, हर पोल पे 4-4। क्लियर? पहले इतना बना लीजिए फटाफट सब लोग। बन गया सबका? देखिए दोनों तरफ 4-4 न्यूक्लियस हैं, दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, तो दोनों तरफ 3-3 बचे, और इन 3-3 न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन जाएगी, तो 1-2-3 सेल एक तरफ हो गई, 1-2-3 सेल एक तरफ हो गई, क्योंकि तो मैंने क्या बताया, दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गए और इनके चारों ओर सेल बन जाएगी, दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में रहे, और इधर 3 बचे और 3 न्यूक्लियस इधर बचे जिनके चारों ओर सेल वॉल बन गई, तो 3 सेल एक तरफ, 3 सेल एक तरफ और 1 सेल एक तरफ। अभी ये चीज समझ में आ गई? तो टोटल कितनी सेल हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 सेल स्टेज आ गई। ये कौन सी स्टेज आ गई? 7 सेल स्टेज। अगर हम न्यूक्लियस काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 सेल या फिर 8 न्यूक्लियस स्टेज। ये चीज समझ में आ गई आप लोग को? मैंने क्या बताया कि या तो इसे हम 7 सेल या फिर 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं, क्योंकि
तीन 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 सेल इधर और तीन सेल इधर, इनके चारों ओर सेल वॉल बन गई। तो ये तीन सेल इधर हो गई, तीन सेल इधर हो गई, बीच में सेंटर में दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सेल बन गई, तो सेवन सेल हो गई। लेकिन न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो टोटल कितने न्यूक्लियस है, एट। तो ये आपका मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट से सेवन सेल और एट न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो मैम। सेवन सेल और एट न्यूक्लियस स्टेज यहाँ तक बना लिया सबने। अब सबके नाम सुनिए। ये तीन सेल कैलाजा की तरफ हैं, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल हो गई। एंटीपोडल सेल का कोई खास काम नहीं है, एंटीपोडल सेल का कोई खास काम नहीं होता। या तो फर्टिलाइजेशन के पहले या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट हो जाती है। आ गया समझ में? एंटीपोडल सेल का कोई खास काम नहीं होता, या तो फर्टिलाइजेशन के पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट हो जाएंगे। फिर आ जाइए इधर, माइक्रोपाइल की साइड जो तीन सेल होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक एपरेटस। माइक्रोपाइल की साइड जो तीन सेल होती हैं, इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिक एपरेटस। सिनर्जिक एपरेटस तीनों को मिला के कहेंगे सिनर्जिक एपरेटस, जिसमें दो हो जाएंगी सिनर्जिक सेल। ये सिनर्जिक सेल हो गई दो, और एक हो जाएगी एक्स सेल प्लस एक एक्स सेल। तो सिनर्जिक एपरेटस में दो तो हो गई सिनर्जिक सेल और एक हो जाएगी एक्स सेल। एक्स सेल को ही हम फीमेल गैमीट कहते हैं। ये जो सिनर्जिक सेल है, सिनर्जिक सेल में बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस, ए डबल पी ए आर ए टी यू एस, सिनर्जिक सेल में फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और पॉलन ट्यूब को अंदर आने के लिए पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो सिनर्जिक सेल का क्या काम हो गया? एक तो सिनर्जिक सेल का काम है पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करना और इसको अंदर आने के लिए पाथ प्रोवाइड करना। क्लियर? सिनर्जिक सेल का फंक्शन समझ में आ गया? दो सिनर्जिक सेल है और सिनर्जिक सेल में क्या पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, और सिनर्जिक सेल का फंक्शन है पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। एक केमिकल का सीक्रेशन करेगी सिनर्जिक सेल, जिसके इफेक्ट से पॉलन ट्यूब उसकी ओर अट्रैक्ट होगी और फिर पॉलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए पाथ प्रोवाइड करना। तो ये है आपके सिनर्जिक सेल का काम। और फिर है ये तीसरी एक्स सेल, जो फीमेल गैमीट है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी। आ गया बेटा? ये सेंटर में जो दो न्यूक्लियस हैं, इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इन्हें क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। देखिए बेटा, ये जितने भी न्यूक्लियस थे, सारे के सारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड थे। ये तीनों भी हैप्लॉइड, ये तीनों भी हैप्लॉइड, और ये दोनों भी हैप्लॉइड। तो सेंटर के जो दो न्यूक्लियस हैं, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब फ्यूज हो जाएंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज होके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे, जो डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो पोलर न्यूक्लियाई का क्या काम है? पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस
डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। आ गया बेटा, ये है आपके फीमेल गैमेटोफाइट। अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सब लोग आइए कैमरा ऑन करके, बाहर कैमरा ऑन करके आइए, मुझे बताइए किसी को कोई डाउट है। मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो। चलिए, मैंने कहा सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर, सब कैमरा ऑन करके आइए। सबसे पहले फंक्शनल मेगास्पोर में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होगा तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, ये दोनों न्यूक्लियस एक एक पोल पे चले जाएंगे। फिर इसमें सेकेंड माइटोसिस डिवीजन होगा तो टोटल चार न्यूक्लियस बन गए, दो एक पोल पे, दो एक पोल पे। फिर इन चारों में थर्ड माइटोसिस डिवीजन होगा तो टोटल आठ न्यूक्लियस बनेंगे, चार एक पोल पे और चार एक पोल पे। दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा तो दोनों तरफ तीन तीन बचेंगे। इन तीनों न्यूक्लियस के चारों ओर सेल डेवलप हो जाएगी और इनके चारों ओर भी सेल डेवलप हो जाएगी। तो जो आपके गैलाजा की साइड के तीन न्यूक्लियस से तीन सेल बनी उन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल सेल का कोई खास काम नहीं है, या तो फर्टिलाइजेशन के पहले या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट हो जाएंगी। जो माइक्रोपाइल की साइड तीन सेल हैं, इनमें से दो तो सिनर्जिड सेल होंगी और एक एक्स सेल होगी। सिनर्जिड सेल का काम है पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करना और पॉलन ट्यूब के लिए पाथ प्रोवाइड करना। खुशी बेटा साउंड म्यूट करना। पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करना और पॉलन ट्यूब के लिए पाथ प्रोवाइड करना। और एक्स सेल जो फीमेल गैमेट है जिसका काम है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। ठीक, बीच में जो दो न्यूक्लियस हैं ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे और ये न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है आपके डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। अभी किसी को कोई डाउट? पूरा डायग्राम बना लिया आप लोग ने, ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया, फटाफट देख लीजिए। भले हो गए, भले इनमें हो गए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी भी। ये था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मंजीत को आ गया सिमरन? ऐसा देख लीजिएगा कि अभी हम पूछे तो हमें आंसर चाहिए सबके। बन गया सबका, सब ऑन आ जाइए कैमरा ऑन करके सब लोग। जरा किसी को कोई डाउट है? नहीं है। दिया? नो मैम। अंकित क्लियर है बिल्कुल आपको? यस मैम। आस्था, खुशी, आप लोग बताइए। यस मैम क्लियर है। कृष्णकांत, विशाल, क्लियर है? विशाल, यस मैम क्लियर है। कोई डाउट नहीं तो अब हम अपने डाउट क्लियर कर लें। यस मैम। आप लोग के कोई डाउट नहीं है, अब हम अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं। अभी किसी ने मेरे डाउट को क्लियर नहीं किया तो यहीं पे कान पकड़ के वो उठक बैठक लगाएगा मेरे सामने।
देखिए बेटा, मुझे ये बता दीजिए, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक का मतलब बता दीजिए। मैम मोनोस्पोरिक का मतलब है वन फंक्शनल मेगास्पोर को, मतलब पूरा मेगास्पोर को बनाना। नहीं, वन फंक्शनल मेगास्पोर पूरा एम्ब्रियो सैक बनाए। बाइस्पोरिक। और जब चारों मेगास्पोर डेवलप करें तो टेट्रा। चलिए फटाफट मुझे ये बताइए, कृष्णकांत, सिनर्जिक सेल का क्या फंक्शन है? सिनर्जिक सेल मैम किसका? सिनर्जिक सेल का मैम, सिनर्जिक सेल का फंक्शन क्या? एक मिनट मैम, क्या पर्दे से सामने आया? हेलो मैम, पोल ट्यूब को अट्रैक्ट करना। कृष्णकांत सामने आए, सामने। मैम पॉलिंग मैम, नेटवर्क इशू है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। क्या मैम, नेटवर्क नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, बताइए क्या फंक्शन है मैम उसका? मैम पॉलिन ट्यूब को मैम अट्रैक्ट करना और मैम पाथ स्पेस देना। मैम स्पेस देना अंदर जाने के लिए, पाथ प्रोवाइड करना। यस यस मैम। हां यस, आप बताएं जरा डिप्लॉयड न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? ये पोलर न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन है? मैम पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड मैम, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड जब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बनके जब डिप्लॉइड क्रिएट करते हैं उसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। उसको नहीं बोलेंगे, उसे डिप्लॉइड न्यूक्लियस बोलेंगे। डिप्लॉइड न्यूक्लियस बोलेंगे। और डिप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या काम है? डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, एंटीपोडल सेल का क्या काम है अंकित? कुछ काम नहीं बेटा, आवाज म्यूट है आपके। मैम एंटीपोडल सेल का मैम ज्यादा कुछ काम नहीं रहता, वो उसमें काम करते हैं मैम, वो क्या कहते हैं मैम याद नहीं आ रहा। फर्टिलाइजेशन या तो डीजनरेट हो जाएंगे या तो पहले या फिर बाद में। एक्चुअली इनका कोई खास काम नहीं है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यस मैम। ठीक है, तो ये आपके जो है, इसको हमने 7 सेल स्टेज या 8 न्यूक्लियस स्टेज क्यों कहा है एम्ब्रियो को? विशाल सेवन वो बनने न्यूक्लियस, सेवन न्यूक्लियस है। सेवन सेल है और एट न्यूक्लियस है। आगे चीज समझ में? सेवन सेल कैसी है? तीन सेल ये और ये पूरी एक सेल मानी जाएगी। और न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज आती है मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। आगे यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये था आपके एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। एक चीज अब ध्यान से सुनिए, इधर सुनिएगा बेटा। एम्ब्रियो सैक को मैम, एम्ब्रियो सैक को मैम मेगा गैमेटोफाइट भी बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को हम मैम, मैंने सर्च किया था तो मैम मेगा गैमेटोफाइट करके लिखा आया था। मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट एक ही चीज है बेटा। मेगा फीमेल को ही तो बोलते हैं, माइक्रो मेल को। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेगा स्पोर मदर सेल से, किससे मैं इसको रब करूं? देखिए, मेगा स्पोर
मदर सेल जो कि डिप्लॉइड थी ना, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन हुआ था, तो फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे ना, तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने का प्रोसेस कहलाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बना, इसी तरीके से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना क्या कहलाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। आ गया बेटा क्लियर बिल्कुल? यहाँ पे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ, मेल हो गया फीमेल हो गया, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, वो कंप्लीट हो गया, मेल गैमेट बन गया और फीमेल गैमेट। सेकेंड स्टेप क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमेट ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट में गैमेट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, यस, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो प्लांट के गैमीट ट्रांसफर को कहेंगे हम पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन का मतलब हो जाएगा पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना, क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। आ गया बेटा? अब पॉलिनेशन अपन नेक्स्ट टर्न पे चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम हम पढ़ा देंगे, आपके पास नोट्स नहीं है, सब भूल जाएंगे। यहाँ तक का जो किसी को देखना है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अपना पूरे चैप्टर से डाउट क्लियर करूंगी। अच्छा, नेक्स्ट वीक से टीटीएस कर रही हूँ क्लास, टीटीएस में 12 बजे से, ठीक है, 12:15 पे ज्वाइनिंग हो जाती है आप लोग की, याद रखिएगा 1:30 बजे तक चलेगी क्लास, ठीक है, ऑल्टरनेट कर दे रही हूँ, 1.5 घंटे की क्लास कर दे रही हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा पेमेंट आ जाए, जिससे कि मैं उसी को फिर ज्वाइन करा पाऊंगी और नोट्स प्रोवाइड करा पाऊंगी। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अपने डाउट क्लियर करूं पूरे चैप्टर से। हम कर लेंगे, अपने डाउट क्लियर कर लें। यस मैम। मुझे ये बता दीजिए, एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर। एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा क्या, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट कहते हैं, फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट कहते हैं, यस बताइए क्यों सिमरन, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों कहते हैं, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों कहते हैं, और बोलिए विशाल, मॉडिफाइड शूट क्यों कहते हैं, मॉडिफाइड
खड़ा करके कान पकड़ के उठक बैठक लगवाओ क्या? क्या है संकेत? मैम थैले में होता है जो कि मैम उसमें मैम नोट्स होते हैं, मैम इंटरनोट्स होते हैं और मैम कैलेक्स होते हैं, मैम एंड्रोशियम होता है, मैम काइनोशियम होता है, मैम कोरोला होता है, मैम जो कि मैम उसका मैम मॉडिफाइड शूट मैम वो होता है, मैम मॉडिफाइड लीव्स हैं कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम और काइनोशियम मॉडिफाइड लीव्स हैं। यस मैम ठीक है, ये प्रूफ करते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मुझे ये बता दीजिए एंड्रोशियम के एक मेंबर को क्या कहते हैं? यस विशाल, म्यूट है आपकी साउंड। स्टेमन, स्टेमन एंड्रोशियम के एक मेंबर को कहते हैं स्टेमन, ठीक है। और गाइनोशियम के एक मेंबर को क्या बोलते हैं? कार्पल, कार्पल और पिस्टल, पिस्टल, ठीक है। मुझे ये बता दीजिए अगर सारे सेपल्स आपस में जुड़े हैं तो यश उसे क्या बोलेंगे? यश आइए, सारे सेपल्स आपस में जुड़े हैं तो मैम सिनी कपल्स। गलत गलत, गैमोसेपल्स, गैमोसेपल्स। यश बताइए सारे सेपल्स आपस में जुड़े हैं तो गैमो तो अलग है तो क्या बोलेंगे? मैम पॉलीसेपल्स, पॉलीसेपल्स। पेरियंथ किसे कहते हैं? मैम सेपल्स और पेटल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जब सेपल्स और पेटल्स को डिफरेंशिएट ना कर पाए दोनों एक जैसे लगे उसे हम बोलेंगे पेरियंथ, ठीक है। कृष्णकांत मुझे ये बताइए जब सारे कार्पल आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कृष्णकांत चले गए क्या? जब सारे कार्पल आपस में जुड़े हो तो सिन कार्पस और अलग हो तो एपोकार्पस, ठीक है। फिर आइए आपके फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं हम? फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक कहलाता है ना? मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? पॉलिन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट हम पॉलिन ग्रेन को कहते हैं, ठीक है। फिर मुझे ये बताइए कि पॉलिनेशन से पहले पॉलिन ग्रेन में कितने न्यूक्लियस होते हैं? दो और 40% प्लांट में 3, ठीक है। क्या पॉलिन ग्रेन को हम काफी समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं? मैम कर सकते हैं। रीजन बताइए। मैम लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें केमिकल स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है। यस, क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन केमिकल प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है इन देयर एक्साइम व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेडिएशन, टेंपरेचर, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एक्सेट्रा, ठीक है। इसलिए हम पोलिन ग्रेन को काफी समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कहाँ पे? पोलिन बैंक में। इनका प्रिजर्वेशन क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम -196 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, फिर आइए आपके कुछ प्लांट के पोलिन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट ग्रास, ठीक है, कैरेट ग्रास, जिसके पोलिन ग्रेन हमारे लिए हार्मफुल। क्या पोलिन ग्रेन हमारे लिए यूजफुल भी है? यस मैम। कैसे बताइए? मैम उसमें मैम न्यूट्रिशन होते हैं मैम, और फूड स्टोर करता है वो। यस, जो कि मैम एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं मैम। यस, फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर।
अब हमें ये बताइए कि कार्पल का फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? कार्पल का फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? ओवरी। कार्पल का फर्टाइल पार्ट कौन सा है? ओवरी। यस मैम। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल को हम एक और क्या नाम देते हैं? मेगास्पोर। मेगास्पोरेंजियम। 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 अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर किसका डेवलपमेंट होता है? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को क्या नाम देते हैं? मेगास्पोर। नहीं, एम्ब्रियोसैक को क्या नाम देते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। यस मैम। मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आपने जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा है कौन सा पढ़ा है? मोनोस्पोरिक टाइप। कौन सा पढ़ा है? मोनोस्पोरिक टाइप। इसमें आपके कौन कितने सेवन सेल है? कौन कौन सी सेल है? सेवन सेल। एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल और पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, सारी पोलर न्यूक्लियर। सिनर्जिड सेल का क्या फंक्शन है? पाथ प्रोवाइड करना। यस, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, उसके लिए पाथ प्रोवाइड करना। और एंटीपोडल सेल मैम डबल फर्टिलाइजेशन। पोलन न्यूक्लियाई डीजनरेट। पोलन न्यूक्लियाई। पोलन न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन है मैम? वो मैम डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज करके डिप्लॉइड और डाइप्लोइड न्यूक्लियस। यस, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस। फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस व्हिच टेक पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ये याद रखिएगा। ठीक है बेटा, आ गया, रिवाइज हो गया आप लोग का? Yes, ma'am. Yes, रिकॉर्डिंग हुई होगी तो मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। आप लोग को फिर से देखना है, आप देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। Yes, पॉइंट देख लीजिएगा। Yes, ठीक है, और मेरी बात Yes, थोड़ा सा सिंसियरली लेके आज करें आप लोग पेमेंट। यस, विशाल, अंकित, आस्था वगैरह सब लोग आप लोग करें जिससे कि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, ट्यूजडे को क्लास होगी अब 12:45। यस मैम। ओके, चलिए मंजीत, सिमरन, थैंक यू। मंजीत सिमरन सामने आइए बेटा, आप लोग भी पेमेंट करें जिससे कि बेटा हम है आपको ले आए। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे सर्किट हाउस में, आपके आ जाना मंडे को मॉर्निंग पे। ठीक है, कितने टाइम पे आना है वहां पर सर्किट हाउस? कितने टाइम पर आना है सर्किट हाउस? मैं सुबह 6 से 7 के बीच में रहती हूँ। आए तो पहले मुझे, पहले संडे को कल शाम को कॉल करिए, क्योंकि मैं मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ सर्किट हाउस सुबह, और मैं आपके नोट्स लेती आऊंगी फिर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हमने लिख लिए, व्हाट्सएप पे डाले थे, मुझे दिखाना सब लोग। आस्था मैम पूरे नहीं थे, वो पूरे थे बेटा, पहले डाल दिए थे उसने आस्था ने, पहले लिखवा दिए थे जितने मैंने, बाकी जो बचे थे वो बाकी व्हाट्सएप पे डाल दिए थे। मैम मेरे पास शुरू के नहीं थे तो मैंने नहीं। कौन बोला है? विशाल। यस मैम। हाँ, शुरू के आपके पास नहीं होंगे क्योंकि वो मैंने लिखवाए थे, आपने पढ़ा भी नहीं था शायद शुरू का। हाँ, आप बॉयज, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग छुट्टी है, वो हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देके समझा देंगे किसी दिन। अंकित, विशाल, यश, आप लोग की छुट्टी है, मैं समझा दूंगी आप लोग को एक आध दिन। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए,
एंड करें मीटिंग, बाय मैम, ओके बेटा बाय। एंड पास हो गई, स्टॉप मीटिंग। उसको स्टेप कैसे होगा बताइए मुझे फटाफट, मुझे समझा दो बेटा कैसे सेव होगी वीडियो। निकाल लो वीडियो, पहले ये तो बंद कर दो, मीटिंग बंद कर, कट करें यहाँ से। मुझे समझा दो,